Hello and welcome friends. Today we are going to learn the internal command of DOS. So let's start this video. First of all, we have to open the DOS command. How can we open the DOS command? Let's see. First of all, we have go to the start button and click on command prompt. The second method is, जो दूसरा method है, वो Windows button के साथ आपको R button दबाना है keyboard में. Windows button के साथ R button. जैसे ही दबाएंगे तो यहां पर देखिए ये रन कमांड ओपन हो चुका है. आप देख सकते हैं रन कमांड ओपन होने के बाद यहां आपको कीवर्ड एक टाइप करना है. व्हाट इज कीवर्ड? एक छोटा सा स्पेलिंग कह सकते हैं या एक छोटा सा वर्ड जिससे हमारा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, उसे हम कीवर्ड कहते हैं. तो cmd यहां लिखा मैंने. cmd एक कीवर्ड है कमांड का और एंटर प्रेस किया हमने तो यहां देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ चुका है हमारे सामने और आपको इस प्रकार का ये काली सी विंडो दिखाई देगी. इस पर हमको सारे इंटरनल कमांड रन कराने हैं. मैं इंटरनल कमांड के ऊपर बेस्ड पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरी वीडियो है. चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम इंटरनल कमांड का यूज कर सकते हैं. तो देखिए फोल्डर तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं. आप यहां पर डेस्कटॉप पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, यहां से भी फोल्डर बना सकते हैं. ठीक है, डॉस बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था जब ये आया था प्रकाश में. तो इस पर जो है काम करना, जब तक आप कमांड नहीं जानेंगे तब तक आप काम कैसे कर सकते थे. तो इसमें जो डायरेक्टरी बनाने का कमांड होता है वो होता है md. md यानी मेन डायरेक्टरी, इसी को हम फोल्डर भी कहते हैं. तो मैं यहां टाइप करता हूं md, गैप दूंगा और यहां जो भी नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां एप्पल दे देता हूं तो एप्पल नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी. ठीक है, अब देखिए ये बता रहा है कि एप्पल नाम की डायरेक्टरी पहले से मौजूद है. तो आप चाहे तो डायरेक्टली एप्पल नाम की डायरेक्टरी में एंटर कर सकते हैं. यहां पे एप्पल टाइप कीजिए और एंटर कीजिए तो देखिए यहां डायरेक्टरी एप्पल नाम की ओपन हो चुकी है. आपको अगर एप्पल नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करना है, ठीक है, या फिर उससे बाहर आना है, पहले मैं बाहर आना सिखाता हूं. तो cd डॉट डॉट कमांड का प्रयोग हमें करना है. मैं एप्पल नाम की डायरेक्टरी ना बना करके किसी और नाम की डायरेक्टरी बनाता हूं. जैसे मैं यहां ईस्ट नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूं. ठीक है, तो यहां ईस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है. यहां कोई एरर मैसेज नहीं शो हुआ, इसका मतलब है कि ईस्ट नाम की डायरेक्टरी बन गई. md का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी, मैंने पहले भी बताया है. cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी. अब इस बने हुए डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है तो यहां हमको cd कमांड लिखना होगा, उसके बाद ऊपर का जो हमने डायरेक्टरी का नाम दिया था वो टाइप करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा. cd का एक और नाम चेंज डायरेक्टरी भी होता है, यानी डायरेक्टरी को चेंज करना. ठीक है, इसके बाद यहां पे देख सकते हैं आप ईस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर हम आ चुके हैं. अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाए तो उसे हम सब डायरेक्टरी कहेंगे. सब यानी sub, सब डायरेक्टरी. ठीक है, तो चलिए एक और बना लेते हैं हम इसके अंदर. तो फिर हम टाइप करते हैं md और यहां टाइप करते हैं avi नाम से एक और डायरेक्टरी हम क्रिएट कर लेते हैं. तो यहां देखिए avi नाम से भी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है. अब cd से उसके अंदर जाते हैं. cd यानी चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी. ठीक है, एंटर प्रेस किया तो देखिए avi के अंदर आ गए हम. अब हम चाहते हैं कि हम avi से बाहर निकल जाएं तो यहां पर आपको cd डॉट डॉट टाइप करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो avi से बाहर आ जाते हैं. ये कमांड है, आपको स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालेगा. ठीक है, इसके बाद अब हम चाहते हैं कि ईस्ट नाम की डायरेक्टरी में एक फाइल बना दें तो यहां लिखेंगे कॉपी स्पेस कॉन, फिर स्पेस देंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे. जैसे watch, watch नाम की फाइल मैं बना रहा हूं और इसका एक्सटेंशन दे रहा हूं .txt. txt नोटपैड के फाइल की एक्सटेंशन होती है. नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है. ये जो भी हम कुछ लिखेंगे इस फाइल के अंदर, अब जैसे ये तो नाम हमने दे दिया watch.txt, इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखूंगा. जैसे मैं लिखूंगा हेलो आई एम अ वेब डेवलपर एज वेल एज अ प्रोग्रामर. ठीक है, इतना हमने लिख दिया. इसको लिखने के बाद मैं यहां पे कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूंगा, आपको भी यही काम करना है, और एंटर प्रेस करना है. जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल आपकी हो जाएगी कॉपी. आप देख सकते हैं फाइल कॉपी हो चुकी है ऑलरेडी. ठीक है, अब अगर आपको वापस से avi में जाना है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं avi नाम का आपने डायरेक्टरी पहले से बनाया हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो आप फिर टाइप कीजिए cd गैप दीजिए avi लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए. देखिए आप avi में आ चुके हैं. अब आप चाहते हैं कि हमने जो फाइल बनाई थी watch.txt, इसमें लिखे हुए कंटेंट को हम देख पाएं, तो कैसे देख पाएंगे? उसका तरीका मैं बताता हूं. अभी हम
प्रेजेंट में AVI नाम के डायरेक्टरी में है, इसके विपरीत हमें जाना होगा ईस्ट नाम की डायरेक्टरी में। तो पहले बाहर निकलना होगा, तो CD डॉट डॉट टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। और अब हमें टाइप करना होगा TYP टाइप कमांड, और टाइप कमांड टाइप करने के बाद यहाँ पे गैप देंगे और हमारे जो फाइल है उसका नाम है watch.txt। तो यहाँ पे watch.txt हमें लगाना होगा, तो ये लगा दिया हमने watch.txt। ठीक है, अब देखिए जो कुछ हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, हेलो आई एम अ वेब डेवलपर एज वेल एज अ प्रोग्रामर, यही हमने लिखा था, तो ये इस पे शो होने लगा। अब हम चाहते हैं कि AVI के अंडर भी एक फाइल बनाए, तो यहाँ पे AVI लिखा हमने, एंटर प्रेस किया तो हम AVI के अंडर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप कॉपी कॉन प्रेस कीजिए, इसके अंदर भी आप फाइल बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ apple.txt के नाम से। आप यहाँ पे .doc भी लगा सकते हैं, DOC जो है MS Word के फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, आप .xls भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पर मैं .png लगाता हूँ, png पेंट के फाइल की एक्सटेंशन होती है, png का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इंटरप्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज DOS मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी आपके परीक्षाओं में जो कि इंडिया में कराई जाती हैं उन परीक्षाओं में DOS यानी DOS का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको याद रखिएगा, बिल गेट्स द्वारा यह डेवलप किया गया था। तो देखिए ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया हमने, कंट्रोल Z प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, तो ये भी फाइल कॉपी हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम इस पर काम कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें फाइल तो हमने बना ली, अब हमें इस फाइल का नाम चेंज करना है। तो पहले हम डायरेक्टरी का नाम चेंज करेंगे, उसके बाद फाइल का नाम चेंज करेंगे। हम AVI नाम की डायरेक्टरी को MP4 बनाएंगे, यहाँ पे आप AVI देख सकते हैं, इसका नाम हम चेंज करेंगे। तो जब भी आपको डायरेक्टरी में कुछ भी चेंज करना होगा तो रेन कमांड का प्रयोग करना है और डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा, जबकि फाइल में अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको फाइल में डायरेक्टरी के अंदर रहकर के ही चेंज करना होगा, क्योंकि वो फाइल डायरेक्टरी के अंदर बनी होती है। लेकिन डायरेक्टरी में अगर कुछ करना है तो डायरेक्टरी से बाहर आना होगा, तो बाहर आने का कमांड होता है CD ... इंटर किया हमने, तो देखिए ये हम बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, अब हमें AVI का नाम चेंज करना है, तो हमें चलाना होगा रेन कमांड, लिखा मैंने REN रेन, गैप दिया, पुराने डायरेक्टरी का नाम AVI है, पुराने डायरेक्टरी का नाम दे दिया, गैप दिया एक बार, और उसके बाद नए डायरेक्टरी का नाम MP4 देना है हमें। तो यहाँ MP4 लिखा हमने और एंटर प्रेस किया, तो देखिए AVI टाइप करना होगा, चूंकि ये डायरेक्टरी है फाइल नहीं है, तो इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये लिखेगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, क्योंकि ये है ही नहीं, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो अब हमें CD के साथ MP4 यहाँ टाइप करना होगा, और जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे देखेंगे कि यहाँ MP4 नाम के फाइल में आप आ चुके हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम फाइल का नाम चेंज करके देखते हैं। अब देखिए इसी डायरेक्टरी में जो AVI जिसका नाम चेंज होकर MP4 हो गया है, इसी डायरेक्टरी में हमने एक फाइल बनाई थी apple.png नाम से, इसको हमें चेंज करना है। तो हम अभी AVI जिसका कि नया नाम MP4 है इस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, हमको यहाँ टाइप करना है रेन कमांड, तो यहाँ लिखा रेन। अब हमें पुराना नाम टाइप करना है उस फाइल का, तो यहाँ लिखेंगे apple.png, यहाँ लिख दिया .png, गैप दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ orange.png, एप्पल का नाम चेंज करके मैंने ऑरेंज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ .doc भी दे सकते हैं, मैं यहाँ देखिए .doc दे रहा हूँ, एक्सटेंशन भी चेंज कर दे रहा हूँ उसका। ठीक है, अब जैसे ही इंटर करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब हम टाइप कमांड का यूज़ करके अगर apple.png को खोजेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगी वो, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे apple.png नहीं दिखाई पड़ रही है। अब हमें क्या करना है, टाइप कमांड का यूज़ करना है और यहाँ orange.doc टाइप करना है, .doc। ठीक है, तो जैसे ही .doc टाइप किया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप हेलो दिस इज DOS मींस डिस्क ऑपरेटिंग, ये जो लिखा हुआ था हमने ऊपर यही चीज वापस आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितना आसान है ये करना। इसके बाद से हमने आपको दोनों दिखाया किस तरह से हम डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेट लिखा हमने तो करंट डेट शो कर देगा, टाइम कमांड का टाइम
लिखेंगे करंट टाइम शो कर देगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम एक और कमांड चलाएंगे जिसका नाम है वॉल। वॉल कमांड चलाने से क्या होगा, ये कंप्यूटर की वॉल्यूम बताएगा कि ये सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, ठीक है, इसका लेवल क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब कुछ ये बता रहा है। इसके बाद अगला जो कमांड है हमारा उसका नाम है टाइटल। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर बोरिंग सी टाइटल आपको दिख रही है, सी विंडोज सिस्टम 32, बहुत बोरिंग लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल सूरज एट द रेट साइबर सेल, ठीक है, साइबर सेल, ठीक है, ये मैंने लिखा। और देखिए ये टाइटल इसी के रूप में चेंज हो जाएगी, देखिए यहाँ सूरज एट द रेट साइबर सेल आ चुका है। तो इस तरह से आप टाइटल कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा कमांड है वो है प्रॉम्प्ट कमांड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्प प्रॉम्प्ट, हेल्प प्रॉम्प्ट। यहाँ पे देखिए हेल्प प्रॉम्प्ट लिखने से यहाँ पे प्रॉम्प्ट के सारे कमांड आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट कमांड टाइप करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी आर ओ एम पी टी, ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट कमांड हमने टाइप कर दिया है। अब देखिए अगर आपको ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो आपको यहाँ लिखना होगा डॉलर जी, ठीक है। अगर आपको एम परसेंट का साइन चाहिए, इसको हम एम परसेंट बोलते हैं, तो आपको लिखना होगा एंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन चाहिए, आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सूरज, ठीक है, और डॉलर जी, डॉलर जी लगाने से ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सूरज नाम से ये रूट डायरेक्टरी चेंज हो गई। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।